अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से फायरिंग करते हुए गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उनका कोई विशेष व्यक्ति टारगेट नहीं था। कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके चेहरे और उनके वेशभूषा और उनके आधार पर हम लोगों की विशेष टीम कार्य कर रही है और अभी जो हमारा फोकस है वो ये कि टीम बना करके जो अपराध कर्मी है उनको चिन्हित करके जो पहचान कर ली जाए कि वास्तव में किन अपराध कर्मियों ने ये किया, उसके बाद पूरे घटना का उद्भेदन। देखिए, कल शाम को बेगूसराय में करीब 5 बजे विभिन्न थाना क्षेत्रों से होते हुए अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से फायरिंग करते हुए गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उनका कोई विशेष व्यक्ति टारगेट नहीं था और जो भी रोड के किनारे थे उन पर फायरिंग करते हुए निकलते चले गए। रुक करके मारने का या किसी से बदले की भावना की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस इसको एग्जामिन कर रही है। रात से जगह जगह चकनाकर लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके चेहरे और उनके वेशभूषा और उनके आधार पर हम लोगों की विशेष टीम कार्य कर रही है जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत और जिले के बाहर के अपराध कर्मियों पर निगरानी रखे हुए हैं। शीघ्र ही इस मामले में उद्भेदन होगा तो सारी बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में ये किन कारणों से ऐसी घटना हुई है। जो लोग घायल हैं उनका तत्काल इलाज कराया गया। 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। जो सूचना मिली है 2 का ऑपरेशन हुआ है, उनकी स्थिति अभी ठीक होने में समय लग सकता है। 1 व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो चंदन कुमार थे और इस पूरी घटना को लेकर के सभी गश्ती गाड़ियां जो रोड पर थीं उनकी अभी SP ने बताया कि GPS से उनको लोकेशन ट्रैक हुआ है, तो सभी गाड़ियां रोड पर थीं, ऑन रोड थी। बट ऐसा लगता है कि सारी घटना करीब 30-35 मिनट के बीच में हुई है और जब तक उनको सूचना मिलती तो वो रिएक्ट नहीं कर पाई है। ऐसी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर उस 7 गश्ती दल जो हमारे थे उनके प्रभारियों को निलंबित किया गया। लेकिन 30 किलोमीटर के बिल्कुल सही आपने कहा है, 30-35 मिनट के बीच की घटना है। पहले फायरिंग प्लेस के बाद में जब फायरिंग करते हुए निकल गए और लोग वहाँ पे जो इनको इंजरी हुई उनके इलाज में तुरंत तत्काल वहाँ पर भगदड़ टाइप की स्थिति हुई थी और जिसके कारण पुलिस को देर से सूचना मिली और करीब 15-20 मिनट बाद पुलिस को पहले घटना की सूचना मिली है। तो 15-20 मिनट वहाँ पे विलंब हुआ, उसके बाद पुलिस ने वायरलेस से सभी को सूचना दी है और तब तक ऐसा लगता है कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो उनका घटनाक्रम था वो पूरा हो गया था। सारी गश्ती दल रोड पर थे लेकिन फिर भी हमने उनको निलंबित किया है और अभी जो हमारा फोकस है वो ये कि टीम बना करके जो अपराध कर्मी है उनको चिन्हित करके जो पहचान कर ली जाए कि वास्तव में किन अपराध कर्मियों ने ये किया, उसके बाद पूरे घटना का उद्भेदन। आपको क्या लगता है नेचर ऑफ? देखिए, कल की घटना के बाद में पुलिस की लगातार टीम काम कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके उसके अनुसंधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल को अलर्ट करके छापामारी की जा रही है और जेल से और बाकी जो हमारे अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कांड का शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। सर, इनपुट से क्या कुछ मिल पाया है अभी तक? अभी तक ये पता चला है कि अपराध कर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा गोली चलाई गई है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई उनका उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है, किसी तरह की हत्या का इरादा नहीं प्रतीत होता है, लूटपाट या डकैती या इस तरह का कोई मामला प्रतीत नहीं होता। ये जो है मामला आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा गोली चलाए जाने का है। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है। जो लोग इलाजरत हैं उनको इलाज की कार्रवाई कराई जा रही है। 8 लोग खतरे से बाहर हैं। 1 व्यक्ति की हालांकि इस घटनाक्रम में मृत्यु हो गई है, तो इसलिए हमने गंभीर धाराओं में कांड दर्ज करके इसके उद्भेदन की कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही लग रहा है सर कहीं? 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया।